अगर आप कभी पब्लिक में एक कपल को किस करते हुए देखते हो तो आपका क्या रिएक्शन होगा या क्या सोचोगे? रिएक्शन कुछ नहीं होने का, बस हम सीधे निकल देंगे, अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम। आपको मतलब नहीं? ना, कोई मतलब नहीं। ये सब पब्लिक में नहीं होना चाहिए। पब्लिक में नहीं होना, अंदर कमरे में? अंदर, हाँ। पब्लिक में क्या गलत है? पब्लिक में गलत है, आपका मन ललचा जाता है। गलत है सर। क्यों सर? क्योंकि बच्चे इससे खराब होते हैं और बच्चे जो है सही वह भी खराब होते हैं। क्यों ये सब ऐसे पब्लिक प्लेस पे कर रहे हो? अरे इतने पेड़ हैं, इतने पिलर्स हैं, किसी की ओट में कर लो यार। वो भी तो पब्लिक प्लेस हुई सर। नहीं नहीं, पब्लिक प्लेस नहीं, पर ठीक है, एक ओट तो थोड़ी होती है ना। रिएक्शन तो गंदा होगा, मींस मैं अगर ऐसा देखूंगी, क्योंकि भैया हम भारत में रह रहे हैं तो इट मींस उसके अकॉर्डिंग तो थोड़ा भारत में पब्लिक में किस करना अच्छा नहीं आपके हिसाब से? हाँ, आप पब्लिक में देखते हैं एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मार रहा है या लड़की अपने बॉयफ्रेंड को थप्पड़ मार रही है, तो आप क्या फील करोगे या क्या रिएक्ट करोगे? वो अगर मार रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, एक अगर उसने बोला और उसके बाद अगर वो सॉरी बोल रहा है कुछ भी है तो मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी। अच्छा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मारे जा रहा है तो आप जाओगे? क्रिएट हो रही है। अच्छा। वो रो रही है, ठीक है, तो फिर मैं उसको सपोर्ट, मतलब बड़ी कंडीशंस के साथ मैम जाएंगे, अगर एक से ज्यादा पड़ रहा होगा अगर रोती रहेगी तो मैम जाएंगी, वरना मैम कहेंगी चलता है। लड़की मार रही है, लड़की ने चाटा मारा, तो आपका क्या रिएक्शन? इट मींस उसने कुछ गलत किया होगा ना, तभी तो। वाह वाह, मतलब लड़की ने मारा तो लड़के ने गलत करा होगा, बट लड़के ने मारा तो उस लड़के की गलती तब भी लड़के की है, मतलब हर तरह से लड़का ही गलत है कुछ हद तक। यार अगर अगर एक इनकेस लड़का मार रहा हो तो मे बी आई विल जस्ट गो, एंड इफ इट्स या मे बी आई विल गो। लड़की मार रही हो तो नहीं जाएगा? ये पता नहीं, लड़की मारो तो बता दो, मेरे ना मार दे ये डर होगा, आई विल बी ऑनेस्ट। वायलेंस इज वायलेंस इररिस्पेक्ट ऑफ द जेंडर। बिल्कुल गलत मानते हैं इस बात को, हम तो कहते हैं मारना बिल्कुल जायज ही नहीं है। नहीं, वह गलत है, मारना है तो घर में जाके मारे, घर पे मार ले। हाँ, अगर तुमको यही झगड़ा करना है या इसी तरह से मारपीट करनी है तो कमरे में जाओ ना यार, अपन कमरे में करो जो कुछ भी करना है। कमरे में सर लड़के का लड़की को चाटा मारना जायज आपके हिसाब से? क्यों नहीं, कमरे में जायज। हाँ, क्यों नहीं मारते हैं? लड़के मारते हैं ना, और लड़कियां ही मारती हैं। आपके हिसाब से जब बहस होती है कपल में तो क्या थप्पड़ उसका इलाज है? नहीं नहीं। क्यों? थप्पड़ से तो मतलब लड़ाई बढ़ेगी, थप्पड़ से तो उसको बहस को और ज्यादा आग लगाने वाला काम है। चाटा मारना कभी भी जायज नहीं है, आर्ग्यूमेंट हो या कोई और सिचुएशन हो, कितने भी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो, हमेशा देखिए इलाज थप्पड़ नहीं है। थप्पड़ नहीं है उसका इलाज, किसी भी तरफ से, किसी भी तरफ से। I think there's other ways that you can probably manage your confrontation, so you know, communication is better, and I wouldn't say violence is accepted. Slapping is not enough. No, no. In an argument, raise your points, not don't raise your voice. Neither don't raise your hand. No, don't raise. Raise your voice, don't raise your hand. काफी अच्छी लाइन बनाई है मैम। आपको आपका पार्टनर कभी थप्पड़ मारे तो आप क्या रिएक्ट करोगे? कुछ नहीं करूंगा, मेरे को ऐसा लगता है मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा, पूछूंगा कि ऐसे क्या हो गया, ये जो थप्पड़ मार दिया, गुस्सा हो जाऊंगा थोड़ा, ऐसा नहीं करूंगा मैं दोबारा। पढ़ाया कभी? पढ़ाया नहीं, नहीं तो दो महीने में, महीने में नहीं पढ़ाई, दो साल बाद पढ़ाएगा। नहीं भाई, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे पढ़ जाएगा, अच्छी तरह कूट दिया जाएगा। अगर उसने एक दिया तो उसको चार देंगे। अगर उसने प्यार से मारा तो आप क्या करोगे? मैं कुछ नहीं कर लूंगा। और अगर गुस्से से मारा हो तो? गुस्से से मारा होगा तो फिर देख लेंगे। मैं मारूंगी नहीं सामने से, मैं बात भी नहीं करूंगी। मेरी तो शादी हो गई है, पढ़े चाटे पिटता रहता हूँ। मारे भी नहीं? अगर मेरा पार्टनर मुझे थप्पड़ मारेगा तो मेरा रिएक्शन ये होगा कि आई विल हग दैट पर्सन। आई वुड प्रोबब्ली कंसीडर वेदर इट्स वर्थ बीइंग इन दैट रिलेशनशिप। या मैं निकल जाऊंगा वहां से। ओके यार ठीक, नाउ वी आर सेपरेट। उसके बाद आपका रिलेशन आपके हिसाब से आपके हैरे खत्म है? खत्म हो जाएगा बस, उसके सीधी बात है। आपकी गलती भी हो, किसी की भी हो, लड़की की गलती हो, थप्पड़ नहीं। अनुभव सिन्हा इज द डायरेक्टर एंड तापसी पन्नू इज स्टारिंग इन दिस मूवी, सो द मूवी इज कॉल्ड थप्पड़। सो व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू हियर दिस टाइटल थप्पड़, व्हाट डू यू थिंक द मूवी इज गोइंग टू बी अबाउट? आई डोंट थिंक सो, इट्स अबाउट रिलेशनशिप, इट डजंट दिस थिंग, इट जस्ट शोज अबाउट थप्पड़ इज एंगर। टाइटल सुन के लग रहा है कि लड़की लड़के को थप्पड़ मार रही है, लड़का लड़की को थप्पड़ मार रहा है। कुछ बैक स्टोरी होगी रिलेटेड टू थप्पड़ एंड ऑल, जहाँ पे शी विल टेक अ स्टैंड। सर तापसी पन्नू के बारे में, आई थिंक शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट गर्ल, अगर उसके साथ कोई मैसअप करेगा तो शी विल रिएक्ट विद अ थप्पड़, और ऐसा थप्पड़ के उसका जवाब भी नहीं होगा। आपको क्या लगता है, क्या थप्पड़ प्यार जताने का एक तरीका है? इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।